नियुक्ति ना हो जाए। अब फाइनल मुहर लगने के बाद, कई सारी सीईसी बैठकों के बाद नाम फाइनल हुए और नाम अब सामने आ चुके हैं। कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी हो चुकी है, इसके बारे में जानकारी हम आपको देंगे। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान होना था, आखिर कौन कौन से उम्मीदवार है ये भी जानेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शिवम प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, लंबा इंतजार कांग्रेस ने कराया, एक और लिस्ट जारी की है, आखिर कितने नाम इसमें शामिल है और कहां कहां से? देखिए, निश्चित तौर पर कई राज्यों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ये लिस्ट जारी की है। असम, अंडमान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड। लेकिन बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है, छत्तीसगढ़ के बस्तर से कवासी लखमा को टिकट दिया गया है। तो मध्य प्रदेश की बात करें, सागर से गुड्डू राजा बुंदेला, रीवा से नीलम मिश्रा, शहडोल से पूंदेलाल सिंह मानपुर, जबलपुर से दिनेश यादव, बालाघाट से सम्राट सारस्वत, औरंगाबाद मध्य प्रदेश के संजय शर्मा, भोपाल से अरुण श्रीवास्तव, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, उज्जैन से महेश परमार, मंदसौर से दिलीप सिंह गुर्जर, रतलाम से कांतिलाल भूरिया और इंदौर से अक्षय बम कांति को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। न्यूज 18 ने सबसे पहले ये खबर चलाई थी कि इस चुनाव में दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, कांतिलाल अक्षय बम को इंदौर से टिकट दिया गया है, कांतिलाल भूरिया को रतलाम से दिया गया है। बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नामों को लेकर चर्चा थी कि वो यूपी के रायबरेली और अमेठी से लड़ेंगे, उसको लेकर कोई नाम नजर नहीं आया। लेकिन कुल प्रत्याशियों की बात करें तो 46 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें यूपी छत्तीसगढ़ से लेकर तमाम राज्य हैं। और कांग्रेस पार्टी इससे पहले लगभग 182 के आसपास टिकट, 139 टिकट जारी कर चुकी थी, अब ये 46-47 उम्मीदवारों के और नाम है। कोशिश ये की पहले दूसरे चरण में जहां पर लोकसभा चुनाव है वहां पर कांग्रेस पार्टी ऐलान कर दे कम से कम नामों का, ताकि नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, वो उसको आगे बढ़ाया जाए। यही एक वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी ने आज चौथी अपनी जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। अब जो अगली सीसी है वो 27 तारीख को दिवाली के बाद, तो ऐसे में माना ये जा रहा है कि तमाम बड़े चेहरों को मध्य प्रदेश में उतार कर छत्तीसगढ़ से फिर बस्तर से कवासी लखमा को टिकट दिया है। तो निश्चित तौर पर पार्टी के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण, और उम्मीद ये की जा रही थी कि बस्तर से एक बार दीपक बैस को फिर टिकट मिल सकता है, लेकिन उनका टिकट पार्टी ने काट दिया है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा को टिकट दिया है, तो मध्य प्रदेश के लिए कई नामों पर ऐलान कर दिया। हमने हमने देखा था सबसे पहले छत्तीसगढ़ का जिक्र, यहाँ पर अगर हम बस्तर का करें तो यहाँ पर कवासी लखमा के बेटे की बातचीत चल रही थी, वहां दीपक बैच की भी बातचीत चल रही थी, और एकदम से यहाँ पर नाम ही पलट दिया गया, चूंकि कवासी लखमा का इतना ज्यादा जिक्र नहीं हो रहा था, चूंकि वो गुहार लेकर के दिल्ली भी पहुंचे थे कि मेरे बेटे को जगा दी जाए। फिर कहीं ना कहीं हम देख रहे थे नोकझोंक भी दीपक बैज और उनके बीच में देखने को मिल रही थी, फिर दोनों ने बयान भी बदल दिया कि नहीं नहीं हम साथ मिलकर जो भी होगा चुनाव लड़ेंगे, किसी को भी टिकट मिले। अब लखमा को जब टिकट दिया गया है तो कितनी बड़ी चुनौती हम इसे देखें? हाँ, देखिए निश्चित तौर पर पार्टी ने हर तरीके से सोचा है, ऑलरेडी प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का टिकट यहाँ पर एक शिवम, ये भी मैसेज है कि कहीं ना कहीं लखमा के शायद बेटे को टिकट ना देना, कि नए चेहरे को मैदान में उतार कर के कोई रिस्क यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस अभी नहीं लेना चाहती। निश्चित तौर पर पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती, यही एक वजह है कि लोकसभा चुनावों को बड़ी बात है, कांग्रेस पार्टी कहती रही कि हर प्रत्याशी चयन को लेकर प्रक्रिया पूरी फॉलो की गई है, और पार्टी नहीं चाहती कि नए चेहरे को उतार कर जो असंतोष उभरेगा नेताओं को उसको तरजीह दे, यही एक वजह है कि कवासी लखमा को टिकट दी गई। जी जी, और अगर हम जी मध्य शिवम आपको मेरी आवाज मिल रही है ना? जी जी जी, मध्य प्रदेश का जिक्र करें, कई सारी सीटों का आपने जिक्र किया, हम इंदौर का अगर बात कर लें, हॉट सीट है, छिंदवाड़ा तो है ही है, वहां पर चूंकि पहले ही नाम घोषित हो चुके हैं, तो अब इंदौर का इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था कि किसे मैदान में उतारा जाएगा, आपने भी जिक्र किया। ऐसा देखिए, हम लंबे वक्त से देखते आ रहे हैं, जब जब कांग्रेस ने इंदौर में कोई भी उम्मीदवार उतारा है, या तो उसका करियर खत्म हो गया है, या तो ये है कि बार बार चुनाव लड़के वो हारता जा रहा है, तो ये भी बड़ी चीज है कि यहाँ पर कितना बड़ा मुकाबला होगा, ये भी बहुत बड़ी चीज है। निश्चित तौर पर देखिए, पार्टी कहीं ना कहीं ऐसे को दी गई है जिसका स्क्रीनिंग कमेटी जी का इंटरनल सर्विस सभी में नाम आया है, और यही उसी चयन जाता है। लोकसभा चुनाव हारना जीतना अलग है, लेकिन पार्टी की प्राथमिकता रहती है कि कम से कम जिताऊ लोगों को उम्मीदवार बनाया जाए, लंबा चयन मंथन हुआ और उसके बाद इन नामों का ऐलान हुआ।
ठीक शिवम। अभिषेक शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटर हैं छत्तीसगढ़ से। अभिषेक, लगातार नामों पर असमंजस बना हुआ था, लग रहा था दीपक बैज मैदान से होंगे या लखमा के बेटे होंगे, पर लखमा को ही यहाँ पर मैदान में उतार दिया गया है। कहीं ना कहीं ये है कि बड़ा सोच समझ करके यहाँ पर फैसला लिया गया है कि अगर नए पर दाव खेला जाता है तो हार के पूरे पूरे चांसेस है। बिल्कुल, देखिए दीपक बैज के नाम को लेकर जब लेट लतीफी हो रही थी, सिटिंग सांसद हैं, उसके बावजूद अगर उनका नाम नहीं आ रहा था तो ये लगने लगा था कि कवासी लखमा या उनके परिवार में से किसी को दिया जा सकता है। कवासी लखमा हालांकि अपने बेटे के लिए लॉबिंग कर रहे थे और दिल्ली तक अपने समर्थकों के साथ होकर